गुड मॉर्निंग बच्चों, अगेन आई एम हियर स्वधांति। आज हम चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट टाइम पे हम पेज सेटअप पढ़ रहे थे, आपको पेज की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी और उनको सेट करना भी बताया था। लेकिन जब तक आप इन सारे कामों को प्रैक्टिकली नहीं करके देखेंगे, तब तक ये आपके दिमाग में अपना स्थान नहीं बनाएंगे। तो आपको इनको बार बार अपने कंप्यूटर पर करके देखना है। तो आप पेज सेटअप कर चुके हैं, अब हम एक और टर्म की बात कर रहे हैं जो अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि वाटर मार्क क्या होता है। अब वाटर तो आप सब जानते हैं, पानी, मार्क भी आप जानते हैं, पानी का धब्बा। कभी देखा है किसी कपड़े पे आपने पानी का धब्बा लगे हुए? वो धब्बा लगता तो है, लेकिन वो इतना लाइट होता है कि लगा होने के बाद वो बता भी देता है कि मैं हूँ, लेकिन वो किसी की आंखों में चुभता भी नहीं है। तो वाटर मार्क हमारे डॉक्यूमेंट की एक ऐसी ही चीज़ है जो हम क्यों अप्लाई करते हैं। हम इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो प्राइवेट कंटेंट की तरह शो हो सके। फॉर एग्जांपल, हम NIOS के लिए वीडियोस बना रहे हैं या NIOS के लिए हम कोई मान लीजिए डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि NIOS के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उसको फोटोकॉपी करा के अपने पास ना रख पाए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम अपने पेज को, अपने पेपर पे एक वाटर मार्क प्रोवाइड करेंगे। अब ये हम कैसे करेंगे? तो पहले जब मैं आपको इंसर्ट टैब पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम इंसर्ट टैब में, जब भी हमें कोई चीज़ डालनी होती है तो हम इंसर्ट में चले जाते हैं। जैसे हमें अगर पिक्चर डालनी है हम इंसर्ट में चले जाएंगे, हमें सिंबल डालना है हम इंसर्ट में चले जाएंगे, हमें शेप्स डालने हैं हम इंसर्ट में चले जाएंगे, हमें हेडर फुटर डालना है हम इंसर्ट में चले जाएंगे। तो कोई भी चीज़ जैसे ही पूछेगा, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आया हाउ विल यू इंसर्ट दिस इन योर डॉक्यूमेंट, पहला स्टेप क्या हो जाता है आपका? पहला स्टेप ये हो जाता है कि वी विल क्लिक ऑन इंसर्ट, फिर जो चीज़ इंसर्ट करने को कही गई आप उसी को सेलेक्ट कर लीजिए। देन वी विल सेलेक्ट शेप, उसके बाद अब जब आपने शेप की बात की तो बहुत सारे शेप्स आ जाएंगे। देन वी विल चूज द शेप वी वांट टू इंसर्ट, फिर हम इंसर्ट का बटन दबा देंगे और हम अपने पेज पे जाकर के माउस को ड्रैग करेंगे तो वो चीज़ इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ विल यू इंसर्ट अ वाटर मार्क, तो वाटर मार्क इंसर्ट करने के लिए आप कभी भी इंसर्ट टैब में नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। वाटर मार्क हमेशा पेज सेटअप से सेट होगा। तो अगर आपसे स्टेप लिखने को कहे जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे वी विल गो टू पेज सेटअप, देन वी विल क्लिक ऑन वाटर मार्क। जैसे ही आप इस वाटर मार्क को क्लिक करेंगे एक विंडो खुल जाएगी, इसमें बड़ी सारी चीज़ें होंगी। एक जगह लिखा होगा टेक्स्ट, एक जगह लिखा होगा पिक्चर, एक जगह लिखा होगा वर्ड आर्ट, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। अब आप अगर अपने वाटरमार्क में कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो आप वो टेक्स्ट वहाँ लिख देंगे। तो वो आपसे पूछेगा टेक्स्ट का ओरिएंटेशन क्या रखना है, मतलब आपका अगर ये पेज है तो आप टेक्स्ट ऐसे सीधा सीधा रखना चाहते हैं, ऐसे तिरछा रखना चाहते हैं, ऐसे तिरछा रखना चाहते हैं, किस तरीके से आप अपना टेक्स्ट रखना चाहते हैं, उसका एंगल क्या होगा, टेक्स्ट क्या होगा, उसका कलर की डेंसिटी कितनी होगी, उसका कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ से डिसाइड करने के बाद आप जैसे ही यहाँ से इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे, ये वाटरमार्क आपके पेज के बैकग्राउंड के ऊपर जा कर के लग जाएगा। अब क्या होगा कि जो मेन टेक्स्ट है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है स्वधांति इज अ गुड टीचर, ओके। अब आप चाहते हैं कि आपका ये कोई कंटेंट कॉपी ना करे, लेकिन किसी व्यक्ति को लगा नहीं नहीं ये तो कंटेंट बहुत अच्छा है भाई, ये तो मुझे कॉपी करना है, तो वो क्या करेगा, आपका ये हार्ड कॉपी लेके जाएगा प्रिंटआउट वाले के पास, उससे कहेगा भैया इसकी एक फोटोकॉपी निकाल दो। तो फोटोकॉपी में क्या होगा कि ये जहाँ पे ये वाटर मार्क आया हुआ है इसके ऊपर का ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट किसी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वाटर मार्क वाला हिस्सा जो है वो जब फोटोकॉपी होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा, है ना। तो इस फोटोकॉपी से प्रिवेंट करने के लिए और अपना एक सिग्नेचर देने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट हमारा है, हम क्या करते हैं, हम वाटर मार्क इंसर्ट करते हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा कि जब वाटर मार्क इंसर्ट करने की बात होगी तो हम इंसर्ट टैब का यूज़ नहीं करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे वाटर मार्क का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, पार्ट वन में पेज सेटअप, पार्ट टू में वाटर मार्क। नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो एमएस वर्ड के हैं और अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो हम उन सारे टर्म्स की बात करेंगे। कुछ 8-10-12 हैं, एक आध दो वीडियोस में हो जाएंगे और एक बार आप उनको पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम अपनी जगह बना लेगा, फिर आपको उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट टर्न पे हम फिर मिलते हैं, तब तक ये करके देखिए और वाटर मार्क लगाने के बाद पेपर को फोटोकॉपी जरूर करके देखिएगा, क्योंकि उससे आपको पता लग जाएगा कि सच में कॉपी होता है या नहीं होता है। ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।